हाय बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सीबीएसई सैंपल पेपर में है, इस बार कई स्कूलों के प्री बोर्ड्स में आ रहा है नया क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। शो दैट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स इज कोप्लेनर विद अनदर गिवन लाइन। नाउ अभी तक जो हमने एनसीईआरटी में टॉपिक पढ़ा है ना, वो ये पढ़ा है कि दो प्लेन्स हैं और उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक थर्ड प्लेन पास कर रहा है, उसकी इक्वेशन बनाओ। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। मामला क्या है कि दो प्लेन्स हैं, उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए मुझे। तो जब मुझे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए हो किसी भी दो प्लेन्स की, तो एक छोटी सी ट्रिक है। आप बोलेंगे लेट जेड बी इक्वल टू जीरो। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जेड इक्वल टू जीरो, तो दोनों ही इक्वेशन में आप जेड को इक्वल टू जीरो रखते हैं तो आ जाता है x plus 2y, ये 0 बन जाएगा is equals to a, और ये हो जाएगा 2x plus 3y is equals to 11। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, यहाँ पे 2 है तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 2x plus 4y is equals to 16। इस इक्वेशन को ला करके इसके नीचे लिख देते हैं, साइंस को कर देते हैं चेंज, तो हो जाएगा 1y और ये हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू हो जाती है 5। ये y की वैल्यू को 5 में यहां पर लिखता हूं तो जाएगा 10, वहां पे जाकर के माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। सो देयरफॉर पॉइंट क्या बना, पॉइंट ऑन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर पॉइंट क्या बना, -2, 5, 0। कैसे, z को तो आप पहले ही 0 मान चुके हैं, देखिए तो z 0 आ जाएगा। x y की वैल्यू आई थी 5, उसे यहां पे पुट कर दिया था तो 10, वहां जाके माइनस हुआ तो -2, x की वैल्यू -2, पॉइंट बन गया -2, 5, 0। This is one of the points on the line of intersection. ये जो line of intersection है, इसके ऊपर अब आपके पास में एक point आ गया है -2, 5, 0। ठीक है? ये इसके ऊपर एक point मिल गया आपको. Got it? अब सुनिए, जब ये point मेरे पास में आ गया, अब मुझे क्या चाहिए? इस line of intersection की equation चाहिए। वो बनाने के लिए एक और चीज करनी है मुझे। ध्यान से सुनिएगा, देखिए। Now, जो ये मेरा plane one है बेटा, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, ये और ये बनाएंगे n1 वेक्टर। ये जो प्लेन 2 है, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं 2, 3 और 4, ये बनाएंगे n2 वेक्टर, और इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा b। b विल बी पैरेलल टू दिस ब्लू लाइन, दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर समझाता हूं कैसे। n1 क्रॉस n2 कैसे निकालते हैं बेटा, i, j और k। अब n1 कौन होता है बेटा, जो प्लेन 1 के x, y और z के कोफिशिएंट्स होते हैं 1, 2 और 3। ऐसी प्लेन 2 के जो x, y और z के कोफिशिएंट्स है वो n2 बनाते हैं, 2, 3 और 4। दिस विल बी b। इसको हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं प्लस माइनस प्लस, ये आ जाता है बच्चे i कैप। जब ये i कैप हो जाता है तो होता है 8 माइनस 9 माइनस j कैप, ये हो जाता है 4 माइनस 6 प्लस k कैप, और ये आता है 3 माइनस 4। तो ये बनकर क्या आता है मेरे बच्चे, -1 i कैप, -2 प्लस 2 j कैप, -1 तो -1 k कैप इज b वेक्टर। ये बन गया b वेक्टर फॉर द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। क्यों बना ये समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मान लीजिए कि ये दो प्लेन्स हैं, बड़े ध्यान से देखना है, ये दो प्लेन्स हैं, तो ये दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। दिस इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, राइट। अब इस प्लेन का ध्यान से देखें, इस प्लेन का एक n1 वेक्टर है, ये रहा। इस प्लेन का एक n2 वेक्टर है, ये रहा। जब इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, राइट। तो यानी एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया ये, जो दोनों पे परपेंडिकुलर है। और देखिए, ये इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल भी है, करेक्ट है। तो n1 क्रॉस n2 का आंसर बिकम्स b, क्योंकि जब हम n1 क्रॉस n2 करते हैं तो एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, दैट बिकम्स b। तो अब मुझे इस ब्लू लाइन का, यानी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर एक पॉइंट भी पता लग गया, उसका एक पैरेलल वेक्टर भी पता लग गया, तो फिर यहां से मैं बना सकता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्मूला होगा r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, जिसमें a पॉइंट आपका ये वाला है, व्हिच विल बी -2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 0k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b। और b कौन है आपका, वो है -i कैप प्लस 2j कैप -k कैप। This is equation of the line of intersection. This is my equation of line of the intersection. क्या किया एक बार दोबारा, क्या करना है, थोड़ी देर के लिए z को 0 मान लेना है,
दो लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करके x और y निकाल रहे हैं, x y आ गए, z को 0 माने, ये बन गया एक पॉइंट। ये पॉइंट कहां पर मिला? ये इन दोनों प्लेस को सॉल्व करके मिला है ना। इन दोनों प्लेस का सॉल्यूशन कौन है? ये दोनों प्लेस एक दूसरे को कहां पे टच कर रहे हैं? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो यानी ये पॉइंट कहां पर मिला? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर। फिर इसका n1 इसका n2 क्रॉस करते हैं तो b बना, इस लाइन के ही पैरेलल बना कहीं पर। तो लाइन के साथ में पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता है, r = 0 + लैम्डा b से मैंने इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बना दी। इतना नोट कर लो, फिर आगे की बात करता हूं। इंपॉर्टेंट यहीं तक है, आगे तो बहुत सिंपल है। हाँ, तो मेरे बच्चों आई थिंक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एक बार दोबारा से बना लेते हैं। ये हमारा बी वेक्टर बन चुका है, n1 क्रॉस n2 करते हैं तो बी आ जाता है, बी आ गया। अब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा r = a + लैम्डा b, पर दोबारा बना लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम सा था। r = a + लैम्डा b, a है ये पॉइंट और b है ये वेक्टर जो अभी भी हमने निकाला है। तो r = -2i कैप + 5j कैप + 0k कैप + लैम्डा टाइम्स ऑफ -i कैप + 2j कैप - 1k कैप, ठीक है। This is equation of line of intersection, ठीक है बच्चों, ये important था यहाँ तक। अब अगला part क्या है कि ये जो line of intersection आई है, ठीक है, इसका एक और line आपको बता रहे हैं, check करो उसके साथ coplanarity है कि नहीं, दोनों चीजें coplanar हैं कि नहीं। तो क्या करना है इसमें, देखो, देखो मेरे बच्चे, एक ये है आपकी line of intersection, ठीक है, ये आपने अभी भी निकाली है, ये आपने अभी भी निकाली है। और एक लाइन आपको पहले से ही दे रखी है, x प्लस 1/1, y प्लस 1/2, z प्लस 1/3, और एक ये लाइन आपको अभी भी आपने निकाली, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 0k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप। किन्हीं भी दो लाइंस को कोप्लेनर कैसे प्रूव करते हैं? देखिए, जो ये वाली लाइन है इसके साथ में पैरेलल वेक्टर है, ये वाला, इसको नाम दे दिया b1। दूसरी लाइन के साथ में इनसे बनेगा नया वेक्टर, वो इसका पैरेलल वेक्टर, नाम दे दिया b2। फिर इसके ऊपर एक पॉइंट है a, ये वाला, जिसका नाम है -2, 5, 0, और इसके ऊपर भी एक पॉइंट है b, जो कि होता है इसके ऑपोजिट साइन, बेटा ध्यान रखना, -1, -1 और -1, इनको जोड़ करके आपने वेक्टर बना दिया ab वेक्टर। फिर से दो लाइंस पता है, उन दोनों लाइंस को कोप्लेनर करना है। तो क्या करना होता है, पहली लाइन में जो लैम्डा के साथ लिखा है वो b1, दूसरी में जो नीचे कोफिशिएंट्स है वो b2, ठीक है, और इसके ऊपर एक पॉइंट है ये वाला और इसके ऑपोजिट साइंस, इनको जोड़ करके एक और वेक्टर बना दिया ab वेक्टर। अब आपके पास में तीन वेक्टर हो गए, ये ब्लू वाले b1 b2 और ab, इनका निकालेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब आप यहां पे निकालिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ab वेक्टर कॉमा b1 वेक्टर कॉमा b2 वेक्टर, इसका डिटरमिनेंट बन जाएगा, ठीक है। इसमें आप पहले ab के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, फिर b1 के, फिर b2 के, सॉल्व करेंगे और वो जीरो आ जाएगा, जीरो आएगा तो आप बोलेंगे देयरफॉर ये कोप्लेनर है। क्लियर है? किसी भी दो लाइन को कोप्लेनर कैसे करते हैं? दोनों लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनको ले लेते हैं b1 b2, पहली लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता होता है, दूसरी के ऊपर एक पॉइंट पता होता है, जोड़ करके एक और वेक्टर बनाते हैं, उसका नाम होता है ab। ए जो तीन नए वेक्टर क्रिएट होते हैं, इनका निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी सिंपल डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, जीरो आ जाता है, हेंस ही कोप्लेनर है। तो सेकंड पार्ट तो ऑलरेडी हमने क्लास में कर रखा है, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे इस पर, एक्स्ट्रा बुक जो हमने करी है क्लास में कर रखा है, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जरूर से करना है। ऑल द बेस्ट।